तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube का जो होम पेज होता है ना भाई, ये इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सबसे पहले आप मेरा होम पेज देखो भाई। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिख रही है, ठीक है। वीडियो के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स दिख रहे हैं, 3 शॉर्ट्स डाले हुए मैंने। उसके बाद मैंने जो दूसरा चैनल यहाँ पर लिंक कराया हुआ है आलिम ब्लॉग्स के नाम से, और उसके बाद आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम टिप्स देख सकते हैं आप। ये मेरा होम पेज कोई इतना कोई ज्यादा खास नहीं लग रहा है जैसे कोई भी हमारा होम पेज खोलेगा मोबाइल पे भी या डेस्कटॉप पे भी, तो भाई इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। यहीं पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने मनोज दे का चैनल है, आप इसका होम पेज देखो भाई, इसका भी होम पेज बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे मेरा है, ठीक है। कोई खास नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वही मैं अगर आपको जुन्नू की टेक की बात करूँ तो इनका होम पेज देखो आप। इन्होंने अपना पहले चैनल लगाया हुआ है, ठीक है। चैनल लगाने के बाद इन्होंने आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका होम पेज दिख रहा है आप। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा जी टेक्निकल का होम पेज देखो आप। इन्होंने पहले यहाँ पर एक वीडियो लगाई हुई है होम पर, और उसके बाद इनकी कुछ इस तरह की पुरानी वीडियोस इन्होंने लगाई हुई है अपने हिसाब से, ठीक है। और अभी चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। ये टेक्निकली होगी, टेक्निकली होगी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे भाई मेरा नहीं दिखाया आपने सबका दिखा दिया। इनका होम पेज भी देखो भाई कितना अच्छे से कस्टमाइज हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये कस्टमाइज कैसे होता है वो आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। आप सबसे पहले मेरे चैनल पर देखो, यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी ऊपर जुन्नू की और मेरी, और उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट्स की 3 वीडियो दिख रही होंगी, उसके बाद चैनल, और चैनल के नीचे आप देखते हैं इंस्टाग्राम की टिप्स। अब इसको आप कैसे हम जुन्नू के टैग की तरह कैसे कर सकते हैं, या महात्मा जी टेक्निकल की तरह हम कैसे अपना होम पेज बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वह तो वीडियो में जाने के बाद सबकी वीडियो इस तरह से दिख रही है, लेकिन नहीं, हमें वीडियो के अंदर नहीं जाना, हमें होम पेज पर ही रहना है। और कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर जाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझो, आपको कस्टमाइज चैनल पर जाना है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल ट्रायल्स फॉर पीपल्स हु डजंट सब्सक्राइब्ड, ठीक है, और फीचर्ड वीडियो फॉर द रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अभी आप 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और इसको यहाँ से मैं कर दूंगा पब्लिक, और आऊँगा फिर अगेन होम पेज पे और मैं F5 दबाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से वे हट चुकी है वीडियो जो मैंने यहाँ पर जुन्नू की टैग के साथ अपना जो इंटरव्यू था हमारा वो यहाँ से हट चुका। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, जैसा महात्मा जी टेक्निकल ने यहाँ पर लगाया हुआ है ये इंट्रो वीडियो, जैसे मैंने भी लगा रखी थी, आपने पहले देखी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। एड पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर सारी वीडियोस आ जाएंगी खुल खुल के, ठीक है। जब जिस तरह जब वीडियो खुलकर आ जाएंगी आप यहाँ से सेलेक्ट कोई भी एक सेलेक्ट कर लोगे जो आपकी बेस्ट है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर बेस्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, और मैं अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब मिलेनियर, ठीक है। फिर अगेन नीचे एड पर क्लिक करूंगा और अगेन फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा पब्लिक। पब्लिक करने के बाद जब मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा, F5 दबाऊंगा, और यहाँ पर आप भी देख सकते हो यहाँ पर कोई ऐड नहीं हुआ, लेकिन अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा इसको तो आपको यहाँ पर दिख सकते हैं एक छोटी सी डिस्प्ले बनकर आ चुकी है। ये मतलब जब कोई चैनल खोलता है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और कैची लगता है, और इससे थोड़ा सा इंप्रेशंस अच्छा जाता है हमारे चैनल पर, ठीक है। आपके पास यहाँ दिख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन में तो आपका अबाउट वगैरह है, और जो चैनल आर्ट पे आपके जो लिंक्स दिखते हैं यहाँ पर आप उनको लिंक्स को लगा सकते हैं, और ये यहाँ पर भी कुछ लिंक्स लगा सकते हैं। यहाँ पर अपनी जीमेल डाल सकते हैं ताकि आप कोई बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अगर आपसे कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से पब्लिक करेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। उसके बाद यहाँ पर ब्रांडिंग में कुछ ऐसा होता है कि भाई जो एंटायर वीडियो होती है, मतलब वीडियो के नीचे वाली साइड में हम यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अपने चैनल आर्ट और देख सकते हैं मोबाइल में ऐसा दिखता है, लैपटॉप में ऐसा और डेस्कटॉप में ऐसा, यहाँ पर अपना लोगो चेंज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं सीधा लेआउट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल ट्रायल्स फॉर पीपल्स हु डजंट हैव सब्सक्राइबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था ना मेरा होम पेज कैसा है, एक वीडियो, 3 ये शॉर्ट्स, एक चैनल एंड ये टिप्स। यही आप सेम देख सकते हैं भाई कैसा दिख रहा है ये, आप ये वो जो आप ऊपर देख सकते हैं चैनल ट्रायल्स का, ये तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये 3 वीडियो जो आप देख रखे हैं नीचे, ये जो शॉर्ट्स वीडियो हैं, ये शॉर्ट्स वीडियो ये हो गई, और इसके नीचे जो हमारा फीचर्ड चैनल है ये वाला ये हो गया आलिम व्लॉग्स, और नीचे ये सिंगल प्लेलिस्ट इंस्टाग्राम ये हमारी हो गई ये वाली। अब इसको आप कैसे बना सकते हैं
अल्टीमेट। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड सिलेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंगल प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, तो राइट क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर ये देखो आपने, मैंने कितनी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। सबसे पहले ऑल वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके बाद शॉर्ट्स की, वेबसाइट रिव्यू की, अनबॉक्सिंग की, कैनवा की जो वीडियो की जो सीरीज़ है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 14 मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब मैं इसमें से ये जो 15 वीडियो सीरीज़ है इस पर क्लिक कर देता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट ऐड हो चुकी है। अगेन मैं जाता हूँ सिंगल प्लेलिस्ट पे, कैनवा की ले लेता हूँ, इसके अंदर कैनवा की आ गई, ऑल वीडियोज़ की ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँच प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर लगा चुका, मतलब 4 प्लेलिस्ट लगा दी। अगर आप चाहते हो कि भाई ऊपर नीचे करना तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब रिमूव कर सकते हो यहाँ से बेसिकली। और इसको जैसा यहाँ से आप जो डबल लाइन दिख रही है ना, इसको यहाँ से ऊपर रख सकते हो, ये नीचे आ जाएगी इस तरह से, तो आप वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये थोड़ी कम वीडियो है इसको नीचे रखना, तो इसको हम नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर 5 आ गई, नीचे 4 आ गई। और फिर हम यहाँ पे एक और मैं ऐड सिलेक्शन पे जाऊँगा और सिंगल प्लेलिस्ट पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से मैं एक और अपडेट ये वाली ले लेता हूँ, यूट्यूब टिप्स वाली, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिक। अब पब्लिक करने के बाद मैं अगेन मैं अपने चैनल पर जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ F5 रिफ्रेश। और रिफ्रेश होने के बाद आप देख तो आज सकते हो नीचे मेरा जो होम पेज है कस्टमाइज हो चुका है भाई, अल्टीमेट लग रहा है। आप भी इस तरह से कर सकते हो। जब मैंने पहले किया था तो मेरा कुछ पहले इस तरह का था, मनोज का देखो, ऊपर 2 वीडियो की लाइन आ रही है, नीचे 2 वीडियो दिख रही हैं, और चैनल और नीचे ये शॉर्ट्स की 4 वीडियो। कोई इतना कोई खास नहीं लग रहा ना, आई होप नहीं लग रहा होगा। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर अपना चैनल दिखाऊँ आपको, अपने चैनल का होम पेज, तो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट्स, ये चैनल, और उसके बाद ये यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने ऐड कर दी। तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा फील होता है जब हमारे होम पेज पर कोई क्लिक करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। जो मैंने आपको अभी जीमेल लगा के दिखाई थी, अब वो मैं आपको अबाउट में दिखाता हूँ वो किस तरह से शो होती है। जब मैंने वहाँ पर जीमेल लगाई थी तो भाई ये देखो, व्यू जीमेल एड्रेस, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन बिजनेस इंक्वायरी के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये करेक्शंस, ये थोड़ा सा जो मैंने आपको कस्टमाइज करना बताया, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।